हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है करवा चौथ। तो हम करवा चौथ की पूजा के लिए मेरी फ्रेंड के घर पे इकट्ठे हुए हैं। तीन फ्रेंड्स हैं हम, तो यहीं पे अभी पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड निशा, जो अभी पूजा की तैयारी कर रही है। ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। आपको पता होगा कि आज के दिन जो है करवा माता श्री गणेश जी और श्री पार्वती की पूजा की जाती है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, हम पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। ये है मेरी तीसरी फ्रेंड महिमा, ये सब अभी तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास करवे नहीं हैं, तो वो जो मिट्टी वाले करवे होते हैं ना हमारे पास, वो हमें इसलिए यहाँ मिले नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये कांसे के जो करवे होते हैं, कांसे के करवे ही रखे हैं हमने पूजा के लिए। तो अब ये सब पूजा के हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और आप देख सकते हैं अरण्या थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही है कि ये सब क्या चल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है, बट देखने में उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो तब से देख रही है कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो हम करते हैं अभी, पूजा के बाद मिलते हैं। हाय नन्या, हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी जो हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना, सूर्य को अर्घ देने जा रहे हैं। हम 11th फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो सूरज नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं कितनी एक्साइटेड लग रही है, उसे लग रहा है उसे कोई छोड़ के ना चला जाए। अभी मैं रन्या को उसके पापा के पास छोड़ के आ गई। तो गाइस, आज करवा चौथ है, थोड़ा फेस्टिवल है, तैयार हुए हैं, तो फ़ोटोज़ तो कुछ बनती ही है, मौज मस्ती भी थोड़ा बनती ही है। तो हमारी पूजा वगैरह अभी ख़त्म हो चुकी है, सूर्य को अर्घ भी हम दे चुके हैं। तो थोड़ा ओह माय गॉड, फोटोशूट। गाइज, मैं घर पर वापस आ चुकी हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं। तो रन्या देख सकते हैं मुझसे कितने प्यार करने में लगी है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम से मुझसे मिली नहीं है, मुझसे लिपट के बैठ गई। चलो तो सोचा थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड कर लेती हूँ, सुबह से इसे टाइम नहीं दिया, थोड़ा बिजी थी। और मैं आपको दिखाती हूँ उसने रूम का क्या हाल किया है, कितना गंदा रूम कर रखा है, थोड़ी देर में क्या हालत कर दी है रूम की। अब टाइम हो गया रात का खाना बनाने का, मैंने कुछ खाना बना लिया, जैसे दाल बन चुकी है और राइस भी बन गए हैं, सेवियाँ बनाई हैं, पनीर बनाया है, और साथ में अभी टाइम है पूरियाँ तलने का। तो सोचा कि चांद आने से पहले पूरी वगैरह खाना बना लेती हूँ, व्रत है तो घर का ही खाना सही रहेगा। रात के 8:30 हो चुके हैं, चांद निकल गया है, तो हम चांद की पूजा के लिए थोड़ा छत पे गए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।